सबसे पहले तो कुमार विश्वास जी, क्योंकि बहुत सारे आजकल नए लोग हैं वो सुन चुके हैं सब लोग उनको, तो उनकी एक छोटी सी लाइन है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, दोबारा से उसमें देख लेता हूँ, क्या पता भूल जाऊँ तो, है ना। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बस इसी को ध्यान में रखते हुए सुनाना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। नहीं नहीं, अब आपकी तरफ कर लेते हैं। अरे भाई नहीं नहीं, एक्चुअली 8 साल का लंबा इंतजार, उसके बाद जकड़ के लाए तो फर्क पड़ता ही है। किसी को तो मिला। तो पहली लाइन इसी से शुरू करता हूँ जो अभी ऋषि ने शुरू किया था, उससे कुछ लाइनें आगे हैं। हमारे टाइम में खत चला करते थे, जब हम 10वीं 12वीं में हुआ करते थे ना, पहली बार अगर वो निकल जाए बगल से तो एकदम बहुत नया सा लगता था। उसी पे है, एक अपने दौर से शुरू करता हूँ मैं, उम्मीद करूँगा आप सबको पसंद भी आएगा, थोड़ा सा अलग है ये। हर कोई बन गया शायर है देखो, ये मेरी खुद की है, हो सकता है आपने देखी हो कहीं ना कहीं, सुनी हो, छोटी सी लाइन। हर कोई बन गया शायर है देखो, जुबैर भाई गौर करिएगा, हर कोई बन गया है शायर देखो, कवियों की लंबी जमात है, ठीक है। हर कोई बन गया है शायर देखो, कवियों की लंबी जमात है, क्या कमी आ गई है यकीनन इस इश्क में, या सबको आया नया नया बुखार है। आगे की लाइनें गौर करिएगा कि क्या बताएं दोस्तों, एक अपना भी दौर था, क्या बताएं यारों, एक अपना भी दौर था, खतों से इस मोबाइल से ज़्यादा उन खतों का मोल था, इस मोबाइल से ज़्यादा उन खतों का भी मोल था, कि कौन समझेगा उन खतों के ना आने का गम, यूं जब मिल जाते थे तो कौन समझेगा उन खतों के ना आने का गम, कि यूं ही हो जाती थी ये आंखें भी नम। अरे भाई तो अब क्या हुआ जो सोशल मीडिया आ गया है, अरे भाई उस पे है कि अब क्या हो गया ये सोशल मीडिया आ गया है, तो अब न मुकम्मल सबका इश्क रहा है और न वो इश्क वाले रहे हैं। एक आगे है कि जब उनसे शादी हो गई, बहुत सारे मसलात हुए हैं, बहुत सारे रोज, क्योंकि वो होता नहीं चार बार, ऋषि भाई इतने ध्यान से मत देखो मेरी बन चुकी है वो हाँ, तो जहाँ चार बर्तन होते हैं, आपने सुना होगा जहाँ चार बर्तन हो खटकते जरूर हैं, तो जहाँ चार बर्तन है वहाँ खटकते जरूर हैं, ताकि आवाज़ बनी रहे, दूसरे वाले घर में पता चले कि पति पत्नी लड़ रहे हैं। उसी पे है कि हर बार खामियाँ बताई मेरी पर अपनी खामियाँ भूल गए, ये शुरू की दो लाइनें हैं, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, इसे आप मोहब्बत भी कह सकते हो, गुनाह भी कह सकते हो, अब तो आ गई मेरे पास कि हर बार खामियाँ बताई मेरी और अपनी खामियाँ भूल गए, इसलिए बस हम जहन की बात लफ्ज़ों में समेटे रह गए। कैसे कहें इसको मोहब्बत, मंजीत जी कैसे कहें इसको मोहब्बत, जो अपनी शिकायतें तो करते रहे, कभी हमारी भी सुन लेते। बेशक यहाँ तुकबंदी नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है कि अगर यही है मोहब्बत तो बेहतर है मोहब्बत हुई ना होती, कम से कम जहन की बात इस जहन में ही रहती। लोग कहते हैं कि प्रेम की परिभाषाएं नहीं होती, कहते हैं इस प्रेम में परिभाषाएं नहीं होती, ये हमारे साहबजादे थे क्या कहें कि प्रेम में परिभाषाएं नहीं होती, गर होती इतनी शर्तें मोहब्बतों में, गर होती इतनी मोहब्बतें शर्तों में सोनू, तो शायद हमने मोहब्बत की ही ना होती। अच्छा शुक्रिया। अब उन माँ बाप के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा, हम इस लायक हुए कि आपके बीच आ सकें, तो चार लाइनें सबसे पहले उनको नमन करते हुए, ये भेजा भी उन्हीं के साथ है इसीलिए, नमन करते हुए कि आगाज नया मेरा अरमान नए, कुछ नीत नए मैं बना रहा हूँ, आगाज नया अरमान नए कुछ गीत नए मैं बना रहा हूँ, सब कहते हैं मुझमें तेरा अक्स है मेरे बापू, सब कहते हैं मुझमें तेरा अक्स है बापू, इसीलिए शायद मैं तेरी नई पहचान बना रहा हूँ। बेहतर है कि कुछ मैं ऐसा कर जाऊं, मुमकिन है कि मैं तेरे कदमों पे चल पाऊं, बस देना इतनी दुआएं मेरी, देना इतना आशीर्वाद मुझे कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं, ना बन पाया तेरे जैसा तो तेरे कदमों की ही धूल में बन जाऊं।
और एक आखिरी लाइन है, उम्मीद करूंगा पसंद आएगी, कि उन्हीं से रिलेटेड है ये आखिरी है, उसके बाद मैं जगह जमा नहीं लूँगा अपनी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, कितना उठाते हैं कितना नहीं उठाते, हो सकता है कपकपा भी रहा हूँ, गला भी कांप रहा हो, पर ये मेरा पहला है तो बस। शुक्रिया मिर्जा जी। तो आगे अपने पिताजी के ऊपर ही है ये, आपने पहचान दी मुझे। एक जब लड़का आता है ज़मीन पर तो सबसे पहले बोलते ना बेटा हुआ है बेटी हुई है काइंड ऑफ, तो उसी से ली हुई है। आपने पहचान दी आपसे शरीर मिला, आपने पहचान दी आपसे है नाम मिला, ईश्वर ने तो बस भेजा दादी जमीन पे, आपसे तो नाम मिला। दोबारा से पढ़ रहा हूँ मैं, आपने दी पहचान मुझे आपसे है नाम मिला। अरे भाई गौर करिएगा, शुक्रिया। वाह वाह, अब क्या करें हमारी साली। तो आपने दी पहचान मुझे आपसे मुझे नाम मिला, ईश्वर ने तो भेजा जमीन पर, बापू तुझसे मुझे शरीर मिला। आगे हैं चार लाइनें और, घर का मजबूत आधार हैं आप, इस घर का मजबूत आधार हैं आप, मेरी माँ के लिए वो सम्मान हैं आप, जो जोड़ कर रखे इस जमीन को, जो जोड़ कर रखे इस जमीन पर मुझे, उस परिवार की आधारशिला हैं आप। होता होगा कि जब हम 10th या 12th में रहते होंगे तो बहुत सारी गालियाँ पड़ती होंगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं जब 12th में था तो एक बार मूवी देखने चला गया था, वेलकम, बहुत पुरानी मूवी है, तो उसी से रिलेटेड है। आते ही उन्होंने गरियारा शुरू कर दिया मुझे, भोजपुरी में है ये, कुछ ना कहीं पऊआ काइंड ऑफ, आई बिलीव बहुत कम लोग होंगे जिनको भोजपुरी समझ में आती होगी, ऋषि को आती होगी। अरे अरे वाह, कि कुछ ना कहीं पऊआ आगे का बनवा का ना बनवा, तो उन्हीं के आगे हैं चार लाइनें और, अब समझ पाया हूँ मैं आज जो इस स्टेज पर आया हूँ, कहीं ना कहीं उनकी भी दुआएं रही होंगी कि गालियां ना मिलती तो शायद कुछ लिख ना पाता मैं, और उसके बाद ये आई तो कुछ और आ गया। तो अब समझ पाया है सोनू उन उलाहनों का मतलब, बेवजह काम करने की वो मजबूरी, मिल सके एक अच्छा कल मुझे ये तुमसे पहले कौन समझता था, मिल सके एक बेहतर कल ये तुमसे अच्छा मुझे कौन समझ सकता था, शायद इसीलिए फैमिली फोटो में भी वो आदमी हमेशा कम रहता था। आगे की लाइनें आप तक पहुंच जाएं इतना मैं चाहूंगा, इसीलिए भगवती ने सबको बहुत कुछ दिया है, काली ने, जो लोग मानते हैं अपने अपने धर्म को उसके अकॉर्डिंग, कि भगवती ने बहुतों को बहुत कुछ दिया है खुशनसीब वो जिनको भगवती ने पिता दिया है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद।